हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहित। आप देख रहे हैं मोहित किचन। जब मुझे फटाक सा बहुत ही स्पेशल सा कुछ बनाने का मन करता हूं, तो मैं ये पनीर भुर्जी बनाता हूं। और इस पनीर भुर्जी में मैं एक ऐसा मसाला डालता हूं जिससे पनीर भुर्जी का टेस्ट 10 गुना तक बढ़ जाता है। तो अगर आपको भी जानना है कि वो स्पेशल सा मसाला क्या है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए मेरे स्टाइल में स्टार्ट करते हैं पनीर भुर्जी की ये स्पेशल सी रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको पनीर भुर्जी बनाने के लिए बहुत कम सामान चाहिए होगा। 2 प्याज, 2 टमाटर, हरी मिर्च, अदरक लहसुन। पनीर को ऐसे ग्रेट कर लेना है। प्याज और टमाटर को ऐसा मोटा चॉप करना है। अदरक लहसुन और हरी मिर्च को फाइन चॉप करना है। मैंने कढ़ाई ले लिया है। कढ़ाई को हम मीडियम फ्लेम पे रखेंगे, मतलब पनीर भुर्जी हम मीडियम फ्लेम पे बनाएंगे। मैंने थोड़ा तेल भी ले लिया है। अब जब इसमें तेल गर्म हो जाए तो हम इसमें खड़ा मसाला डालेंगे। खड़ा मसाला में हम बस एक छोटा चम्मच जीरा ऐड करेंगे, बस। इसके अलावा हमें और कोई भी खड़ा मसाला नहीं डालेंगे। और इसे थोड़ा सा चला लेंगे। जब जीरा से आवाज आने लगे, यानी जब जीरा पॉपअप साउंड करने लगे, तब हम इसमें प्याज डाल देंगे। ये लीजिए, मैंने इसमें प्याज भी ऐड कर दिया। और प्याज को तब तक पकाना है जब तक प्याज ट्रांसलूसेंट ना हो जाए। एक बार आप ये जरूर ट्राई करना। इसमें जो इसका स्पेशल सा मसाला है, उससे सच में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है दोस्तों। ये देखिए, 1-2 मिनट हो गया है, प्याज 1-2 मिनट में ही ट्रांसलूसेंट होने लग गए हैं, यानी कि प्याज का कलर चेंज होने लग गया है। बस इसी टाइम में आप अदरक लहसुन हरी मिर्च इसमें आप डाल देना। और आपको इन्हें तब तक भूनना है जब तक इनका कच्चापन खत्म नहीं हो जाता। बस इतना सिंपल है इसे बनाना। बस अब आपको यहाँ पर डालना है 2 कटे हुए टमाटर। चला लें थोड़ा सा। और टमाटर डालने के बाद ही हम नमक भी इसमें डाल देंगे। ताकि टमाटर जल्दी से पक जाए और अपना मॉइस्चर रिलीफ करे और प्याज को भी हल्का सा नरम कर दे। और थोड़ी ही देर में टमाटर तेल छोड़ने लग जाएगा। बस यहीं पे हम मसाला डालेंगे। मैंने आपको कहा था ना, एक बहुत ही स्पेशल सा मसाला है। मसाला का कॉम्बिनेशन बहुत ही सिंपल सा है। आपको डालना है लाल मिर्च पाउडर, साथ साथ धनिया पाउडर, इसके अलावा हल्दी पाउडर भी डालना है, और हमारा स्पेशल सा मसाला है पाव भाजी मसाला। जी हाँ, पाव भाजी मसाला। अब आप पाव भाजी मसाला डालें तो इसमें थोड़ा सा बटर भी डाल दीजिएगा। मेरे पास बटर नहीं था, इसलिए मैं बटर नहीं डाल रहा है। बटर से इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। सारे मसालों को एक बार मिला के 10 से 20 सेकंड के लिए थोड़ा सा भून लें। बस हमारे पनीर भुर्जी में इतना सही मसाला है। इसके अलावा हमें और कोई सा भी मसाला नहीं चाहिए। मसाले अच्छी तरह से भून गए हैं। बस अब इसमें हमें पनीर डालना है। जो पनीर को हमने ग्रेट कर लिया था, वो पनीर इसमें डाल देना है। और बस हमको एक बार अच्छे से
मिक्स कर लेना है ताकि पनीर में मसाला अच्छे से कोट हो जाए। सारे मसाले और पनीर को अच्छे से मिला दें तो लीजिए हमारा स्पेशल सा फटाफट वाला पनीर भुर्जी बनके रेडी है। अभी से एक सर्विंग ट्रे में निकाल के सर्व कर लीजिए ऊपर से हरा धनिया डाल के। तो है ना दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा रेसिपी, पसंद आया ना देख के। अगर आप इसमें पाव भाजी मसाला यूज करेंगे तो टेस्ट इसका दुगना से बढ़ के 4 गुना तक हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हम एक और नए वीडियो में।